Hello everyone, welcome to Redesign. My name is Sunny. Here your video is going to start in just one moment. I just wanted to say thank you for watching my previous video and also for subscribing my channel. In today's class, I will tell you about color psychology and also I will provide you two websites that will be very helpful for you in your project. That website helps you in deciding color themes. In previous class, you have seen primary colors, secondary color, tertiary color, color schemes and color terms. Also, you have seen the color temperature. If you have not seen that video, don't worry. Click on I button link showing just above. Now, start. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कलर साइकोलॉजी को. कलर साइकोलॉजी है क्या? कलर साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन का बिहेवियर, उसका माइंड क्या रेस्पॉन्स देता है कलर को, कलर के साथ उसका रिलेशन कैसा है. तो बेसिकली ये एक साइकोलॉजी है कलर्स की. तो एक एक करके हम लोग अपना इसको देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेड कलर की. रेड कलर, जैसे ही मैंने बोला, आपके दिमाग में क्या आता है? डेंजर. रेड कलर, आप लेट सपोज कोई आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर इंडिकेटर्स लगे हुए हैं रेड कलर के, अगर वो ऑन हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? उस डिवाइस को ऑफ कर देते हैं. आपको पता है कि वो वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, कोई एरर शो कर रहा है, ठीक है ना? तो वो डेंजर दिखा रहा है आपको. बट ऐसा नहीं है कि रेड कलर डेंजर है. रेड कलर बहुत चीज़ें को शो करता है. रेड कलर इमोशंस को भी शो करता है. इमोशंस को कैसे करता है? अगर बहुत एंग्री फेस दिखाना हो तो रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं, गुस्से में लाल हो गया है. दूसरा, अगर आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाना है, इमोशंस दिखा रहे हैं आप, तो रेड कलर का मतलब दिखा सकते हैं वहाँ पे भी कि स्माइलिंग है रेड कलर का, ठीक है ना? दूसरा, अब बात करते हैं कि रेड कलर और क्या करता है. रेड कलर शो करता है लव, एनर्जी, इंटेंसिटी, डेंजर है, एक्साइटमेंट है, एग्रेशन है. तो मैं एक बार स्लाइड आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार देखिए. तो रेड कलर, जैसे मैंने बताया, लव, एनर्जी, इंटेंसिटी, डेंजर, एक्साइटमेंट, एग्रेशन, ये सब शो करता है. ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, जैसे ही मैंने बोला, क्या आया फिर आपके दिमाग में? नेचर, पेड़ पौधे, प्लांट्स, ये सब चीज़ें. तो ग्रीन कलर की जो साइकोलॉजी है, वो जो यूज़ करते हैं ब्रांड्स अपने साथ, तो उनका कहीं ना कहीं नेचर से या सेफ्टी से या फ्रेशनेस से या ऑर्गेनिक से वो सब यूज़ करते हैं. तो ग्रीन कलर जो आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा स्कूल टाइम में, तो स्पेक्ट्रम बिल्कुल सेंटर के अंदर आता है. ये जो विजिबल अपना स्पेक्ट्रम होता है, बिल्कुल सेंटर में आता है ग्रीन कलर. तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी आईज को जो सबसे ज़्यादा सूथिंग कोई कलर है तो वो ग्रीन कलर है, जो सबसे ज़्यादा सूथिंग रहता है अपनी आईज के लिए. तो मैं एक बार स्पेक्ट्रम भी आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए. देखिए, बिल्कुल सेंटर में ग्रीन है. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेव लॉन्गेस्ट वेव, जो लार्जेस्ट वेवलेंथ है हमारी रेड कलर की, वो आप देख सकते हैं, और जो स्मॉलेस्ट है हमारी, वो ब्लू या पर्पल कह सकते हैं. बात करते हैं ब्लू कलर की. ब्लू कलर, कभी आपने सोचा है? डेल, इंटेल, सैमसंग, एचपी, आईबीएम, पेपल, वीजा, एससीएल, ये सारे कलर ब्लू क्यों है इनका लोगो? मैं बताता हूँ. आज के बाद सोचेंगे आप कोई भी ब्लू कलर का लोगो देखेंगे तो ये शो करता है स्टेबिलिटी है, ट्रस्ट है, प्रोफेशनलिज्म है उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल है वो. इंटेलेक्चुअल मतलब बिल्कुल दिमाग से लॉजिकल करने वाले. तो ये ब्लू कलर बेसिकली आप देखेंगे तो आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज सबसे ज़्यादा यूज़ करती है इस कलर को. येलो कलर, येलो कलर बहुत ही ब्राइट कलर है. ये जॉय है, अटेंशन को भी शो करता है. ये आपने पहले देखा होगा जो टैक्सी का कलर था वो येलो रहता था पहले, टैक्सी कलर. शायद आज भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर येलो ही है, और हो सकता है इंडिया में भी कहीं हो. तो येलो कलर रहता था, वो अटेंशन शो करता था कि दैट आई एम हेयर करके अटेंशन. आजकल तो जरूरत नहीं पड़ती, आजकल तो ओला उबेर है, अपना फ़ोन लिया, बुला लिया. तो येलो कलर आप देखेंगे तो कभी भी ना सिंगल में यूज़ नहीं होता है, ये हमेशा यूज़ हो रहा था किसी कलर के साथ, क्योंकि येलो अपने आप में एक ब्राइट कलर है. येलो जॉय, अटेंशन, वार्म है, ऑप्टिमिज्म है, तो ये सब चीज़ें शो करता है इस कलर के साथ. अब बात कर लेते हैं पर्पल कलर की. पर्पल कलर
सोफिस्टिकेशन है, रॉयल्टी, वेल्थ, मिस्ट्री, इन सबको शो करता है। जो अपना कैडबरी चॉकलेट आता है ना, वो बिल्कुल रॉयल चॉकलेट है, वो भी पर्पल कलर के अंदर है। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर यूथफुल इनोसेंस, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस शो करता है। इसमें से एक पॉपुलर ब्रांड मैंने शो किया है ब्लूम, जो मैं फ्रेंडलीनेस बता रहा हूँ ना, अगर आपने ब्लूम का प्रोडक्ट लगा लिया ना तो फ्रेंडलीनेस शो करेगा, कभी दिक्कत ही नहीं आने का है। अब बात करते हैं ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर प्रोफेशनलिज्म को शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है, पावर को शो करता है, एक्यूरेसी को शो करता है। तो बड़े बड़े ब्रांड्स आपने देखे हैं ब्लैक कलर के लोगों में, जैसे एडिडास, नाइके, सोनी, गुची, प्राडा, जारा, ये सब ब्रांड्स बड़े बड़े ब्लैक कलर के लोग यूज करते हैं अपने। पिंक कलर, पिंक कलर बोलते ही समझ में आ रहा है फेमिनिन कलर है, काइंडनेस के साथ जुड़ा है, इनोसेंट है, केयरिंग है, सेंसिटिविटी है इसके अंदर। तो जहाँ भी इस तरीके की चीज़ें रहती हैं तो वहाँ ये कलर यूज होता है, तो कलर को देख के समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कलर के साथ जो एसोसिएटेड हैं वो बताए थे, जैसे मैंने प्रोफेशनलिज्म में बताया था, ब्लू में भी है, ब्लैक के अंदर भी है। तो आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अपना यूनिफॉर्म होता है वो शर्ट को लाइट ब्लू कलर का रखते हैं और जो ट्राउज़र रहता है वो ब्लैक कलर का रखते हैं। तो दोनों में प्रोफेशनलिज्म शो करता है, ठीक। और अपने कलर आते हैं, ग्रे है, वाइट है, दीज आर न्यूट्रल कलर बोलते हैं इनको। तो ये जनरली बैकग्राउंड वगैरह में यूज़ होते हैं। तो जैसे अगर आप एप्पल के लोगों की बात करते हैं तो ये ग्रे कलर का काफ़ी न्यूट्रल लोगो है। तो आपने देखा होगा बैकग्राउंड वगैरह में लोग वाइट या बहुत ही लाइट ग्रे यूज़ करते हैं, न्यूट्रल ग्रे कलर है, ताकि आप फोकस कंटेंट पे कर सकें, आगे क्या चीज़ है उस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकें, ठीक है। आई होप कलर से जुड़ी ये सारी एसोसिएशन साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं दो वेबसाइट आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर कलर को डिसाइड करने के अंदर। तो चलिए जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला वेबसाइट हमारा रहेगा एडोबे का। जैसे आप खोलते हैं इसको तो सबसे पहले आपके पास ये व्हील आता है, कलर व्हील। तो कलर व्हील वगैरह मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर। ये सारे कलर स्कीम्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर। तो इसमें आप इनको ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे रख कर देख सकते हैं कि कौन सा उसका स्कीम निकल के आ रहा है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट थीम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप कोई भी इमेज ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला इमेज अपना ओपन कर लेता हूँ और ये वाला, तो ये अपने आप ही उसके कलर जो भी उसके अंदर है यूज है तो वो निकाल के दे दिए। इनको यूज़ कैसे करेंगे अपने इलस्ट्रेटर फाइल के अंदर या फोटोशॉप के अंदर, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ करके। इसमें भी दो चीज़ें और रहती हैं, एक्सट्रैक्ट ग्रेडियंट, ये सेम वही है वैसे तरीके इसका भी कि आपने फाइल को कोई लिया इंसर्ट करा, आपको उस इमेज का ग्रेडियंट निकाल के दीजिए जैसे कौन कौन से कलर का ग्रेडियंट है। नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा फीचर है इनका। इसमें क्या है कि एक कलर ब्लाइंडनेस पर्सन के लिए स्पेशली है डिज़ाइनर। इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी ऐसा अपना प्रोजेक्ट अंदर कलर लेते हैं, कई बार होता है कि आप ऐसे कलर ले लेते हैं दो कलर जो कलर ब्लाइंडनेस पर्सन को एक ही दिखता है, एक ही कलर में डिफरेंस वो कर नहीं पाते। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं कुछ इसको करता हूँ चेंज, तो आप देखिए इसने बताया बी और डी, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कलर। तो ये कलर ब्लाइंडनेस पर्सन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा कि ये दोनों कलर अलग अलग है। अब आता है एक्सप्लोर के अंदर। एक्सप्लोर के अंदर क्या होता है एडोबी के जितने भी जो पैलेट्स इसके अंदर है, तो एडोबी के यूजर्स होते हैं तो वो अपलोड करते हैं। तो बेस्ट तरीका यही रहता है, कई बार मैं भी करता हूँ कि ये डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ, इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं उसमें बता दूँ आपको। यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे डाउनलोड का आता है आइकन। बट हो सकता है आपके पास एडोबी की आईडी ना हो, लॉगिन आईडी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जाकर इसमें अपन को लेंगे अपना स्निपिंग टूल लिया हमने, स्निपिंग टूल को यहाँ से क्रॉप करेंगे इसको।
को सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे, फाइल का नेम कर लेते हैं रिवेल एनएम कर लेते हैं, कुछ भी कर लो आप जो चलेगा, कुछ नहीं करना आपको ले जाना है एमएम वाले फोल्डर को लेके अपना आई स्टोरेज फाइल के अंदर ब्रेक करना है फाइल को। लेट्स सपोज मैं कोई शेप बनाता हूँ, यहाँ से कलर भी कर लिया मैंने मेरे की, है ना कितने सी। जो सेकंड वेबसाइट है मेरी सॉरी कूलर्स की, वो है coolers.co, coolors.co। बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है वाली, ये मैं सब सब यूज करता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, उसके जनरेटर के अंदर जाना है, बने बनाए कलर पैलेट्स आपके सामने, स्पेस बार प्रेस करते जाएंगे कीबोर्ड के अंदर, रैंडमली आपके बस कलर आते रहेंगे। लेट्स सपोज आपको वाला कलर अच्छा लगा, आपने उसको लॉक कर दिया, अब आप स्पेस बार प्रेस करिए तो रिमेनिंग जो कलर है जो आपने लॉक कर दिया है उसको छोड़ के जो भी रिमेनिंग है वो सारे चेंज हो रहे हैं। अब आपको ये अच्छा लग रहा है ये लॉक कर दीजिए। अब इसमें चीज और है, लेट सपोज कि आपको और भी कलर चाहिए जो आपकी थीम है उसको रिक्वायरमेंट और भी कलर्स की है, इसमें क्या करेंगे आप यहाँ पे प्लस करिए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसी को रिमूव करना तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, सेम वही प्रोसीजर, स्पेस बार प्रेस करके आप कलर को चेंज कर लीजिए। लेट सपोज आपको ये देखना है कि ये वाला कलर इसके साथ कैसे लगता है, तो आप उसको उठा के भी यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ से सॉरी ड्रैग कर दे सकते हैं, ना काफ़ी कूल फंक्शन। अब बात करते हैं इसका हेक्सा डेसिमल कोड का, तो यहाँ पे हेक्सा डेसिमल कोड लिखे हुए हैं, हेक्सा डेसिमल कोड क्या होते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। कॉपी करना आपका हेक्सा डेसिमल कोड तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, और अपने जहाँ भी कलर आप डालते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये कैमरा यहाँ पे आप क्लिक करते हैं इस कैमरे वाले आइकन पे, तो आप यहाँ से फोटो क्लिक करके, मैं लगता क्लिक कर लेता हूँ मैं, तो ये अपने आप कलर आपको निकालती दे देगा उस इमेज के, आप यहाँ से स्लाइड करके इसकी लोकेशन चेंज करिए स्पीकर की, तो देखिए सारे कलर आपको मिलेगा। बाकी तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रह गया एक्सपोर्ट करना, आप पीडीएफ इमेज सीएसएस किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एसवीजी भी अगर आप यूज़ करते हो तो, मैं मोस्टली पीपल आई गेस पीडीएफ यूज कर लूँगा, तो मैं पीडीएफ बता देता हूँ। टाइटल में कुछ भी नेम डाल दीजिए, लेबल हो गया, यहाँ पे आपको क्या क्या और चाहिए इसका, कोई आर एल या फिर नेम चाहिए तो नेम कर लिया एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको ओपन करके देख लेना है ये, कलर के कोड है सभी के कोड आ गए हैं, आप नीचे इनके टिंटर शीट्स वगैरह भी आ गए हैं, तो है ना काफ़ी कूल थिंग, आपको पूरा डिटेलिंग मिल गया आपने जो भी कलर यूज करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब बात आती है आरजीबी की, हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में बनाना था हमको, तो आरजीबी में आपको पता ही है, हेक्साडेसिमल में पता है कि कलर कोड है आरजीबी कलर कोड, किस तरीके से यूज करते हैं मैं अभी बार एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ RRGGBB, तो बाइनरी नंबर तो आपने पढ़े होंगे इसके अंदर 0 और 1, 2 डिजिट है इसलिए बाइनरी है। हेक्साडेसिमल के अंदर 16 डिजिट्स होती है, 0 to 9, 8 to F, 0 इज स्मॉलेस्ट नंबर एंड एफ इज लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसको कलर चेंज करके, इसका सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे डबल क्लिक यहाँ पे, तो पहला नंबर है आरजीबी का, 2 डिजिट है जो पहले आर, तो उनको हाइस्ट कर देते हैं यहाँ पर 0 0 0 0, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने आर को रखा है यानी रेड रखा, तो रेड हो जाना चाहिए कलर, हो गया। नेक्स्ट इज GG एंड दिस इज सेकेंड नंबर 0 0 0, ऐसा जी, इट्स नाउ टर्निंग ग्रीन ब्लू कलर 0 0 0 0, RGB मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो वो पर्पल कलर बनता है, विद ब्लू चेक कर लेते हैं, रेड सेंटर वाले को डालते हैं। तो आरजीबी लेने के लिए मेरे को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, पहले कलर फर्स्ट कलर आर एफ एफ 0 एफ एफ 2 नीचे से देते हैं, यस
ट्रू। एक चीज और बताता हूँ आपको, RGB जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि ये कलर डिजिटल स्क्रीन पे यूज होते हैं कलर, वो जब ये सारे कलर्स को आप मिक्स करते हैं RGB इन तीनों कलर को, तो आपका स्क्रीन वाइट हो जाता है। तो इसका मतलब कि अगर मैं सबको ऑन कर दूँ, सबको हाई कर दूँ, तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है, और मैं अगर इसको सबको ऑफ कर दूँ, जीरो कर दूँ, तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा, RGB आपको समझ में आ गया होगा कलर कोडिंग। होपफुली यू गाइस डिड एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड बी श्योर टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।